चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जिनेंद्र संडे ब्रेकिंग न्यूज में है आपके पास लेकर कुछ खास। कोई खुशी की बात नहीं है, शर्म की बात है पूरे जैन समाज के लिए। वह जो बहन रुपया पकड़ा गया था ना हिंडौन के पास मोहन नगर से, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। कईयों को इंतजार था कि हम लोग साधुओं पर जो ये नंगे घूम रहे हैं ना, ऐसे जो हमारे दिगंबर संतों के ऊपर एक प्रकार से कलंक है, ऐसे लोग जो हैं, वह जो इस कहते हैं केवल कपड़े उतारकर हमारे संतों के रूप में उठ जाते हैं, उस अमृत पान में पहुंच जाते हैं, ऐसे बहरूपिया एक पकड़ा गया था सुकुमार नंदी। जी हाँ, 26 साल की तपस्या दिखाई गई थी वैसे तो, लेकिन कुकर्म वह पिछले कई सरसों से करता था, वर्षों से करता थे। उदयपुर पकड़ा गया, कई बार पकड़ा गया, लेकिन समाज ने हर बार रफातफा करता गया, और इस बार वह बम एक बड़े बम के रूप में फट गया। 11 जून को पकड़ा गया, समाज ने फिर सोचा दबा दिया जाए, केस को दबा दिया जाए, क्योंकि उस दिन जो पीड़ित जी ने शिकायत की है उसके पहले भाभी को दूसरी मंजिल बुलाता है, अभिमंत्रित नारियल देने के चक्कर में छेड़खानी शुरू करता है, महिला सत्व का जाती है, वह नीचे आ जाती है दूसरी मंजिल से, फिर उसके बाद देवरानी जाती है वही अभिमंत्रित नारियल लेने के लिए। महिला को तावीज मंत्र तंत्र जादू टोने लेने का पता नहीं क्या शौक होता है, क्या अकेले में जाकर ऐसे साधुओं से जो व्यभिचारियों से मिलने चली जाती है, मत मिली अकेली महिला। और जब वह जाती है उसे धमकाता है जादू टेना मंत्र तंत्र के विनाश करने की धमकी देकर, वह दुष्कर्म करता है। जी हां, दुष्कर्म करता है। इधर सास और भाभी को चिंता होती है, इतनी देर हुई कमरे में, ऐसा कौन सा नारियल है जो इतना बड़ा, क्या नारियल पैदा हो रहा है जो इतनी देर में नहीं आई। वो ऊपर जाते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं तो देखते हैं अस्त व्यस्त बेचारी होती है। वह घर पे आकर पूरी आप बीती हो जाती है। व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरी पत्नी के साथ ऐसे दुष्कर्म हुआ है। समाज वाले तब भी एक जो है वह दीवार बन जाता है बीच में, दबा दो केस को, कुछ नहीं दबा कर दो। वह साधु को भगाने लगता है, लेकिन वहां पर पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है, भरतपुर जेल पहुंचा देती है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट चेंज हो जाती है, उसकी नेगेटिव आती है वह रिपोर्ट, लेकिन साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी होती है। यहां पर आने के बाद जब हम सुनाते हैं आपको, आप में से कई हमारे ऊपर उंगली उठा देते हैं, जैन समाज का विरोध करते हैं, जैन संतों के बारे में बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, विरोध मिनू विरोधी है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप लोग। हम लोग आपसे यही कहते हैं, जब ऐसी गलत बात जब होती है ना, आपके अंदर एड्स वाले का ब्लड लगा दी जाए पूरा शरीर खराब हो जाता है। एक फुंसी में आवाज हो जाए उसे नहीं फोड़ते ना तो कैंसर बन जाती है, नासूर बन जाती है। एक अच्छे टोकरों की फैली के अंदर एक सड़ा फल रख देते हो तो पूरी टोकरी खराब होने लगती है। हम अगर आपको लगता है हम मुनि विरोधी हैं श्री गेदे, तो हम उस मुनि शब्द मत कीजिएगा, हम ऐसे व्यभिचारियों के विरोधी हैं जो अनाचार के विरोधी हैं, हम विरोधी हैं और रहेंगे। लेकिन मुनि शब्द मत कहिए, संत मत कहिए, हम उनके कभी विरोधी नहीं, उनको चरण पकड़ते हैं, उनको नमन करते हैं। हम सिर्फ खरे सोने में से नकली पीतल को बाहर निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। रिपोर्ट आई है उसकी, अब उसके अंदर दुष्कर्म साबित हो गया है, उसके सीमन से महिला के सीमन से मिल गया है, महिला के अंग वस्त्रों पर उसी कथित व्यभिचारी का सीमन मिल गया है। दुष्कर्म के बारे में यह रिपोर्ट जो है मेडिकल एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और इसका मतलब जानते हैं आप लोग, जो हमारे वरिष्ठ वकील ने बताया है, मतलब अब उसकी उम्र कैद तय है ऐसे व्यभिचारी की, जिसको समाज के कुछ लोग दबा दबा कर रख रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे जैसे, और रिपोर्ट आने के बाद जैसे आया है वैसे दुष्कर्म के अंदर पीड़िता के बयान ही काफी होता है, लेकिन यहां पर अब वह कथित आदमी, वह कथित व्यभिचारी नहीं, अब सिर्फ व्यभिचारी सुकुमार नंदी अब जेल की सलाखों के पीछे है, और अब उम्र कोद के लगभग उसकी तय हो गई है। लेकिन इसके साथ ही 22 जून को पकड़े गए थे इडर में दो, कल्याण सागर राजतिलक सागर, कहते रहे श्वेतांबर संत है, अभी भी रंगीन कपड़ों में भेज रहे हैं और धमका दिखा रहे हैं, हम तो अभी भी साधु हैं। समाज का एक धड़ा उनको दबाने के लिए आ गया, वीडियो साफ है आपके सामने, बिल्कुल गलत किया है, लेकिन वहां पर पुलिस ने केस भी किया, अब उसको वहां पर पानी लिपापोती हो रही है उसके अंदर, और उसको दबाने की कोशिश कर रही है। मत दबाइए ऐसे लोग व्यभिचारियों को, अपने खरे सोने को अलग रखिए, हम यही कहना चाहते हैं। व्यभिचारी को जब तक दबाते रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। पर आज हमने जो आपको बताया है सिर्फ इसलिए नहीं बताया, ये जब जब चाहे वह शांति सागर था, पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथों, पॉजिटिव रिपोर्ट हुई, जेल में है, लेकिन कई जगह समाज मिल जाता है, चाहे वह प्रतीक सागर हो, चाहे वह विश्रांत सागर हो, चाहे वह नयन सागर हो, वहां पर गुरु तक उनको परिचय देते हैं, श्रेय दे देते हैं, और वह बच के इतने समाज के साथ में कुछ लोगों के साथ अंधभक्ति में बच जाता है। ऐसे गुनाहगारों को बचाकर हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम जैन संत किया, जैन संस्कृति का नाम बदनाम करते हैं ऐसे लोगों को बुलाकर। अगर गलती है तो निकालकर फेंक दो, नीचे गला दीजिए उसको, जब अच्छा होगा दोबारा बन जाएगा, लेकिन हम बचाने मत करिए। आज हम समाज से इसलिए लाए हैं आपके पास एक सवाल से पूछने के लिए, समाज से जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है, समाज की बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, बैठक होती है, सब मिल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपना अपना नियम वाले निकालते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होने के बजाय वे फाइल में रह जाती है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी में बांध हिम्मत नहीं आती है। कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, नहीं हो पाता ना।
हम ये बात करना चाहते हैं, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा ऐसी 5G ऐसे नियम बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम उसके लिए आगे आने को तैयार हैं। जैन धर्म संरक्षण महासंघ इस बार को तैयार है। हर समिति से, हर महासमिति से एक एक आदमी आना चाहिए। हर साधु के पास जाना होगा, उनसे जोड़कर विनय करके, हमें हाथ जोड़कर विनय करनी होगी कि महाराज जी हम एक नियम बनाना चाहते हैं, यह नियम हो जिसमें कि महिला अकेली किसी साधु के पास ना आए, आप एकल विहार ना करें, आप अकेले ना हो, आपके साथ कम से कम एक मुनि से एक मुनि हो, एक मुनि के साथ कम से कम ऐसे एक साधु के साथ भी हो, यह नियम बना ले महाराज जी। यह किसी पर्टिकुलर नहीं है, पूरे समाज के हित में है, पूरी जैन संस्कृति जैन सभ्यता के हित में है। सबसे विनय करनी होगी, वहां के समाज से हित करनी होगी, वहां के प्रधान का महामंत्री कार्यकारिणी से करनी पड़ेगी, तब यह गाड़ी चल पाएगी। नहीं तो फाइलों में हजारों नियम बनाते रहो, अपनी पीठ अपने आप थपाते रहो, अपने ही चंदन तिलक लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। हम यह कहने के लिए आज आपको खुलासा करने आए इस ब्रेकिंग न्यूज में कि एक हमारा आरोपी अब उम्र कैद की सलाखों के लिए जा चुका है पीछे। अगर अब भी ये फाइलों के नहीं करे, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इस तरह के दावे सारी महासभी महासमिति जितनी भी हैं सब बेकार हो जाएंगी। आपकी कार्यक्रम जो आप व्हाट्सएप पे घूर रहते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आइए। यह समय है हमें जागने का और जागृति लाने का। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जी।